एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। देखो ए बी ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है आपको कि ए डी और बी सी, देखो ये ए डी और जो बी सी है ये इक्वल हैं और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो ये देखो 90 डिग्री के साइन डले हुए हैं, ठीक है। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये जो सी डी लाइन है ये शो करो कि ये बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। अगर देखो ये बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, तो इसका मतलब क्या है कि ये ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड करना। अगर सी डी इसको बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, तो इसका मतलब क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ ए लेकर आना है हमें। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। देखो सोल्यूशन में देखते हैं, हम गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ए डी इक्वल टू बी सी है, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी है, ये गिवन में है, हमें बताया हुआ ए डी एंड बी सी आर इक्वल, और साथ में क्या है, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख भी दो ए डी इक्वल टू बी सी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, क्लियर। नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें, देखो टू प्रूव में हम चलते हैं, तो क्या है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ है, ओ ए इक्वल टू में ओ बी आपको प्रूव करना है, तभी हम कहेंगे सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है। अब देखो जरा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको समझो जरा पहले। देखो ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करें, एक ओ बी सी और एक ये ओ ए डी, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर दूं किसी तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है बाई सी पी सी टी मैं ओ बी और ओ ए को इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि ओ ए इस वाले ट्रायंगल की साइड है और ओ बी इस वाले ट्रायंगल की साइड है, तो हम बाई सी पी सी टी इनको इक्वल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो देखो जरा प्रूफ में चलते हैं सबसे पहले। देखो प्रूफ में हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ये है आपके पास ओ ए डी। देखो इनमें हमें जो गिवन है वो क्या है कि ए डी इज इक्वल टू में बी सी दिया हुआ है, तो पहले ये लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू में बी सी, ये है गिवन। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, उसने बोला था कि ये जो बी सी और ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। इसको एंगल वन मान लो, इसको एंगल टू मान लो, ठीक है। तो यहाँ लिख दो आप, एंगल वन इज इक्वल टू क्या हो गया है, एंगल टू हो गया, समझ रहे हो ये चीज़, एंगल वन इज इक्वल टू में एंगल टू। और यहाँ पर लिख भी सकते हो आप ये लाइन कि जो ए डी है एंड बी सी है वो क्या है, आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखो तीसरी क्या चीज़ इक्वल करें, देखो ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, देख लो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको एंगल थ्री मान लो, इसको एंगल फोर मान लो, थ्री और फोर इक्वल होंगे कौन से क्राइटेरिया से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे पूरा लिखना है, ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। अब देख लो कोई एक ट्रायंगल देखो आप, इसमें ये वाला ट्रायंगल देख लो, इसमें इसमें एंगल एंगल साइड ये चीज़ इक्वल करिए ना, ये वाला इसके, ये वाला इसके, तो देखो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो रहे हैं आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय एंगल एंगल साइड रूल या फिर क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल है आपके पास ओ बी सी एंड जो ट्रायंगल आपके पास है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इक्वल टू और ये ऊपर कॉन्ग्रुएंसी का साइन आएगा, ट्रायंगल ओ ए डी ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सी पी सी टी ये वाली क्या हो जाएगी, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ओ ए, या फिर हम बोल सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी। सो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, यहाँ ओ बी हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ जरा, बिल्कुल सिंपल है कहानी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय सी पी सी टी, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हेंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, समझ रहे हो बात को या नहीं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको जो है थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, बाकी तो सब क्लियर ही है आपके सामने ही है, ठीक है ना। बहुत ईजी होती हैं ये थ्योरम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये तो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। बस मुश्किल क्यों लगते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आए होते, तो समझ में आ जाएँ और आपको बेसिक पता है तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। बताओ कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने क्या किया है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें और उनके सी पी सी टी से क्या कर दी, दो साइड इक्वल कर दी, और ये दो साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, सी डी ने बाइसेक्ट ही किया होगा ए बी को, यही प्रूफ करना था, क्लियर है। तो यहाँ लिख भी सकते हो हैंस प्रूव्ड ये बात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे इसका। ओके जी, थैंक यू।